नमस्कार, मैं राजमती पारवानी, लेक्चरर इन गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी सरल रेखीय गति। अब हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में जानने से पहले गति की अवधारणा को देखेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। अब इसमें पहला है विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब है कि कोई भी कण है उसकी चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहीं खड़ी हूँ, मेरे आसपास जो भी कण विद्यमान है उसके सापेक्ष मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब मैं विरामावस्था में हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। अब हमारा दूसरा है गतिशील अवस्था, यानी मोशन। मोशन का मतलब है कि कोई भी कण है उसके चारों ओर की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। यानी अगर कोई पॉइंट यहां पर स्थित है पहले, फिर वो कुछ गति करके ओवन पर आ जाता है, तो मतलब उसका ओ बिंदु के सापेक्ष ओवन तक उसका वह गति करेगा, यानी वो गतिशील अवस्था में है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला है हमारा रेखीय गति, यानी लीनियर मोशन। दूसरा है हमारा रोटरी मोशन, यानी घूर्णन गति। अब लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन, जैसा कि नाम से ही इंगित है कि किसी रेखा के अनुदिश यदि कण की गति हो रही है तो वह लीनियर मोशन कहलाएगा। और वह रेखा कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो सरल रेखा हो चाहे वो वक्र में हो। अगर वो रेखा सरल रेखा है तो हमारा मोशन सरल रेखीय गति कहलाएगा, जिसे कि रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। और अगर यही रेखा वक्र के रूप में है तो हमारा मोशन वक्र रेखीय गति कहलाएगा, यानी कर्विलिनियर मोशन। अब हम बात करते हैं घूर्णन गति, यानी रोटरी मोशन की। अब रोटरी मोशन क्या होता है कि यदि कोई कण किसी निश्चित अक्ष या किसी केंद्र के चारों तरफ गति कर रहा है तो वह गति घूर्णन गति कहलाएगी, यानी रोटरी मोशन कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम कोई सर्क्यूलर मोशन लेते हैं, पैराबोलिक मोशन लेते हैं, ये सारे मोशन हमारा रोटरी मोशन के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन की, पर हम इस पे पहुंचने से पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस के बारे में अच्छे से जान लेंगे। पहला हमारा है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन क्या होता है, ये हम अच्छे से देखेंगे कि यदि किसी कण की स्थिति में किसी निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है तो वह उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी उसने कोई दूरी तय की है पर वो किसी निश्चित दिशा में हम उसको बता रहे हैं, तो हम वो जो दूरी होगी वो उसका विस्थापन कहलाएगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं कि ये किसी निश्चित दिशा में कण की स्थिति का परिवर्तन है, तो यह एक इस प्रकार ये एक सदिश राशि हुई, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए हम इसलिए पहले देखते हैं कि यदि किसी कण की स्थिति पहले P है और वह कुछ समय पश्चात Q हो गई, तो उसके द्वारा जो विस्थापन होगा वो PQ के द्वारा दर्शाया जाएगा। चूंकि एक सदिश राशि है तो हम इसको ऐसे इंगित करेंगे। अब यह जानना बहुत जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट की तो दूरी ही तय की दूरी है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम फर्क देखने के लिए हम यहां देखते हैं यदि कोई वस्तु पॉइंट ए पर स्थित है और वह दूरी तय करके पॉइंट बी पर पहुंचती है और दोबारा ये बीच में किसी पॉइंट सी पर आती है, तो हम देखेंगे इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है, हम देखते पहले दूरी को, इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी ए बी प्लस
बीसी। पर अगर हम विस्थापन के बारे में बात करते हैं, चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो हम इसको कैसे देखेंगे? ए बी माइनस बी सी। इससे हमें ज्ञात हुआ कि टोटल जो तय की गई दूरी है वो तो किसी का सम हो जाएगी, पर विस्थापन क्या होगा? हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, देखो वस्तु क्या थी, ए से बी तक गई, दोबारा बी से सी तक आई, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वह तो हो गई ए, और फाइनल पोजीशन है वह हो गई सी। तो विस्थापन केवल क्या होगा, हमारा जो फाइनल पोजीशन है और जो हम जो इनिशियल पोजीशन है उन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही हमारा क्या होगा, विस्थापन होगा। जबकि तय की गई दूरी, पहले हमारा ऑब्जेक्ट है वो ए से बी तक गया तो ए प्लस ए बी, प्लस वो दोबारा बी से सी तक आया तो ए बी प्लस बी सी। जबकि हमारा विस्थापन क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट ए बी, चूंकि विस्थापन हमने देखा कि वो किसी रेखा के अनुदेश ज्ञात किया जाता है, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी। तो ये हम निकालेंगे तो ये केवल रह जाएगा ए सी। इसी प्रकार अगर हम देखें, हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, कोई कण ए पर स्थित है, वह कुछ दूरी तय करके बी पर पहुंचता है, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी तो इस वक्र के अनुदिश तय की गई दूरी होगी, पर इसका जो विस्थापन होगा वो इसका फाइनल पॉइंट बी माइनस इनिशियल पॉइंट ही रह जाएगा, मतलब ये इस सरल रेखा द्वारा ज्ञात किया जाएगा। अब हम ये कैसे निकालेंगे, तो जनरली आप एक धागा लीजिए और उसको ए पर रखिए और यहां से बी तक ले जाइए, फिर उस धागे को सीधी उसकी लंबाई निकाल लीजिए, तो वो तो क्या हो जाएगी, उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस, और यहां इस रेखा के अनुदिश जो अपना ज्ञात होगा वह होगा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अतः हमको इससे क्या ज्ञात होता है कि जनरली अगर हम ऐसे निकालते हैं तो डिस्टेंस तो ज्यादा होगा विस्थापन से, क्लियर है। अगर हम मैं बाजार जाकर जाती हूं और वापस आती हूं, तो मेरे द्वारा तय की गई दूरी, सपोज मेरे घर से बाजार जो है 1 किलोमीटर दूर है, तो और वापस आती हूं तो टोटल मेरे द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर, पर विस्थापन क्या होगा, 0, क्योंकि मैं गई 1 किलोमीटर और वापस आई, तो वही है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर होने के बाद हम देखेंगे स्पीड। अच्छा एक और बात है कि इससे पता चलता है कि दूरी तो क्या हो गई, अदिश राशि हो गई, यानी नॉन वेक्टर पर स्केलर क्वांटिटी हो गई, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ यानी सदिश राशि हुआ। अब हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड यानी चाल। अब स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी गतिशील कण में परिवर्तन की दर को स्पीड कहते हैं, उसकी चाल कहते हैं। अब यह भी क्या है, एक अदिश राशि है, मतलब अब चूंकि इसका फॉर्मूला है दूरी बटा समय, यानी जो दूरी तय की गई है और वो जितने समय में तय की गई है वो उस वस्तु की स्पीड कहलाएगी। अब चूंकि हमने अभी पहले पढ़ा कि डिस्टेंस क्या है, अदिश राशि है, तो दूरी चाल भी क्या हो जाएगी, हमारी अदिश राशि हो जाएगी। अब चूंकि अगर हम दूरी को मीटर में नापते हैं और समय को हम सेकंड में नापते हैं, तो हमारी स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड।
या अगर हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं और समय को हम घंटों में नापते हैं तो हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। और ऐसे ही अगर हमारी दूरी को सेंटीमीटर में नापा गया है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम आगे देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड यानी अचर चाल। अब इसका क्या मतलब है कि समान समय अंतरालों के बीच जो अगर हमारी दूरी समान ही है तो वह क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कि जैसे मैं यहां से लेकर बाजार जाती हूँ, अपने घर से मैं बाजार जाती हूँ, तो मैंने पहले 10 मिनट में भी उतनी ही दूरी तय की जितनी मैंने अगले 10 मिनट में दूरी तय की, और मैंने उसके अगले 10 मिनट में भी उतनी ही दूरी तय की गई। यानी वो समान समय अंतराल तो क्या होगा, 10-10 मिनट, या हम और छोटा लें 10 सेकेंड भी लें तो वो समान समय अंतराल। तो मैंने अगर उतनी ही दूरी तय की है तो मेरी चाल क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म यानी कॉन्स्टेंट, यानी वो क्या कहलाएगी, कॉन्स्टेंट स्पीड। यानी उसी समय अंतराल में समान समय अंतराल लिए और मैंने समान दूरी भी तय की तो वह दूरी क्या कहलाएगी, कॉन्स्टेंट स्पीड। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। अब मैं बात करूं कि जरूरी तो नहीं है ना कि मैं हमेशा एक ही गति से चलूं। मैं यहां से बाजार गई, मैं ना पहले 10 मिनट में आराम से चली, फिर अगले 10 मिनट में मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली, फिर मैंने थोड़ी कम कर ली, तो मेरी मैं स्पीड कैसे निकालूंगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि मुझे पहले 10 मिनट की स्पीड अलग से निकालनी पड़ेगी, उसके अगले 10 मिनट की स्पीड अलग से निकालनी, मतलब उसने मुझे जितना समय लगाया है, मैं जितनी दूरी मैंने तय की गई है तो उससे मैं स्पीड निकालूंगी, उससे अगले वाले समय की स्पीड में अलग निकालूंगी, फिर इस स्पीड को जोड़कर जो मैं निकलेगा मेरा वो मेरी होगी एवरेज स्पीड यानी माध्य चाल। तो इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय अंतरालों में अगर भिन्न भिन्न दूरी तय की गई है तो हमें उनका पूरा योग लगाना पड़ता है और उससे हमारी एवरेज स्पीड निकलती है। हमने देखा कि स्पीड तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को ही उसकी स्पीड कहते हैं, और यह एक अदिश राशि है क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि किसी वस्तु ने कितनी दूरी एक इकाई समय में तय की है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी यानी किसी वस्तु के वेग की। अब यह क्या कहलाता है कि किसी कण द्वारा किसी निश्चित दिशा में विस्थापन की दर को उसका वेग कहते हैं। मतलब अब इससे पता चलता है कि विस्थापन तो क्या है, हमारी सदिश राशि है, तो इसीलिए हमारा वेग भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। इसीलिए यह इसका फॉर्मूला है विस्थापन डिवाइडेड बाय समय यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसकी यूनिट तो वही रहेगी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम बात करें अगर एवरेज वेलोसिटी यानी माध्य वेग की, तो यह भी जैसे कि हमने माध्य चाल देखा था या एवरेज स्पीड देखा था, उसी प्रकार कि वही है कि हमारे जो विस्थापन में परिवर्तन की दर है अगर वो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में भिन्न भिन्न है तो हमें माध्य वेग निकालने की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने डिफरेंस पता किया, वैसे ही हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस पता करने के लिए कुछ सवाल करेंगे जिससे कि हमें उनका जो डिफरेंस है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक सवाल है कि एक कार जो है वो ए से बी तक 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाती है और वापस जब आती है बी से ए तक तब उसकी वेलोसिटी होती है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी वो ए से बी तक तो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है और आते समय वो 60 मीटर पर सेकंड लेती है। तो अब हमें उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब हम देखेंगे कि हमने माना कि ए से बी तक, यह है ए से बी तक कार द्वारा लिया गया समय माना कि हमने यह है T1। ठीक है, और फिर अगर ये कार दोबारा B
समय लिया गया है वह माना कि T2 है। तो अतः कुल समय क्या हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, जाने में T1 है, आने में T2 है, तो यह कुल समय हो जाएगा T1 + T2। अब चूंकि हमें इसकी पहले हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी जो है A से B तक जाने में तो 40 m/s है, ये हमें ज्ञात है, और B से A तक आने में हमें पता है कि यह 60 m/s है। तो अब हम इसका जो कुल समय है वो निकालने के लिए यहाँ पर इक्वेशन डालेंगे। कुल लिया गया समय है जैसे कि T1 + T2। अब हमें यहाँ से क्या है कि हमें पता है कि जाने में जो समय जो जाते समय जो हमारी वेलोसिटी थी वो है जो तय की गई दूरी है बटा समय। ठीक है, अब जैसे है V1 हमें ज्ञात है 40 m/s। ठीक है, अब जो है V1 उस समय जाते समय तय की गई दूरी है AB और दूरी बटा समय हो गया हमारा T1। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा है AB/T1। अगर इसी प्रकार अगर हम T1 निकालना चाहते हैं तो T1 = AB/V1। अब इसी प्रकार लौटते समय जो हमारी वेलोसिटी है वो है इसके द्वारा तय की गई दूरी यानी BA और लिया गया समय T2 है, तो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी BA/T2। चूंकि हमको V2 ज्ञात है जो कि 60 m/s है, तो हम यहाँ पे लेंगे V2। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट अप कर देंगे। T1 की हमने निकाली है AB/V1 + T2 की हमने निकाली है BA/V2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चूंकि AB और BA बराबर है तो हम इसको कॉमन में ले लेंगे। AB कॉमन में ले लिया, यहाँ पे हमने V1 की वैल्यू रख दी 1/40 और यहाँ पे हमने V2 की वैल्यू रख दी तो ये हो गया 1/60। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आया AB/24 s, यानी टोटल काल को जाने में प्लस आने में टोटल इतना समय लगा है AB/24 s। अब हमको ज्ञात क्या करना है, एवरेज स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, तय की गई दूरी बटा समय। ठीक है, अब तय की गई दूरी चूंकि हमें पता है कि AB + BA होगी स्पीड के केस में, हमने तो ये पता ही किया कि चूंकि AB एक अदिश राशि है तो अपन टोटल दूरी निकालते हैं, तो टोटल जो उसके द्वारा तय कार द्वारा तय की गई दूरी हो गई AB + BA। चूंकि AB और BA बराबर है तो क्या हो गया 2AB दूरी। दूरी जो कि अदिश राशि है और हमारी एवरेज स्पीड भी, हमारी स्पीड भी क्या है, अदिश राशि है, तो दूरी क्या हो जाएगी AB + BA यानी कि 2AB। तो और इसमें जो लगा समय है वो हमको यहां से ज्ञात हो गया है, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगी 2AB / जो इसके द्वारा लिया गया समय है जो हमारा यहाँ से ज्ञात हुआ है AB/24। तो इससे ना AB से AB कट जाएगा और ना यहाँ पे 24 × 48, तो हमारी एवरेज स्पीड निकल गई 48 m/s। अब इसके बाद हमको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। चूंकि हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू विस्थापन/समय होता है, यानी displacement/time। अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि displacement तो एक सदिश राशि है, वो किसी निश्चित दिशा में ही ज्ञात किया जाता है। हम यहाँ देखेंगे कार A से B तक गई तो AB और दोबारा B से A तक आई तो -BA, तो क्या हो गया AB - BA = 0। तो अब हमारा विस्थापन क्या हो गया 0। तो अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हमारी displacement/time, चूंकि displacement 0 है तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी 0 आएगी।